Namaste to one and all, and welcome to our channel Study with Padmalata. दोस्तों 14 नवंबर को महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे, इसलिए उनके सम्मान में हर वर्ष 14 नवंबर यानी उनकी जयंती को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बाल दिवस बच्चों के लिए खुशी का उत्सव है। भारत के लगभग सभी स्कूलों और कॉलेजों में, खास तौर पर स्कूलों में बाल दिवस से संबंधित कार्यक्रम 10-15 दिन पूर्व ही आरंभ हो जाते हैं। कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से होती है रंगोली प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में बच्चे तरह तरह की रंगोली बनाकर उनके मन की खुशी के भाव प्रकट करते हैं। गुरुजी को बच्चों से बेहद स्नेह था। उनका मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मानने का निश्चय किया, ताकि देश के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बाल दिवस के बारे में एक कवि ने ऐसा लिखा, बच्चों के आंसू कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करिए। बच्चों के आंसू कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करिए। बच्चों की जिज्ञासा गहरी होती है, बच्चों की जिज्ञासा गहरी होती है, उसे शांत करिए। बच्चों का दुख तीव्र होता है, बच्चों का दुख तीव्र होता है, इसे उससे ले ले। बच्चों का दिल कोमल होता है, बच्चों का दिल कोमल होता है, इसे कठोर ना बनाए। बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। आज के बच्चे कल के नागरिक बनते हैं। इस प्रकार बच्चों का बहुत अधिक महत्व है। बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य होता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस तथ्य को समझते थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों के विकास पर बहुत ध्यान दिया। बच्चों, आप सबको मेरी ओर से बाल दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चों, अब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में सीखेंगे। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रणीय है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को इलाहाबाद के एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी की माता का नाम स्वरूपा रानी था और उनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू के पिता एक बहुत अच्छे वकील थे। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और पिता पुत्र दोनों देश को स्वतंत्र करवाने के लिए कटिबद्ध हो गए। जब नेहरू इंग्लैंड से भारत आए, उस समय गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। वे अपना सब कुछ छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। उनके प्रबल प्रयासों से आंदोलन को बहुत बल मिला। उन्हें कई बार जेल भी, यातनाएं भी सहनी पड़ी। फलतः देश स्वतंत्र हो गया। देश स्वतंत्र होने के बाद नेहरू जी को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। उस समय देश के सामने बहुत समस्याएं थी। नेहरू जी ने बड़ी कुशलता से देश का शासन चलाया।
कई प्रकार की योजनाओं से देश को उन्नति के रास्ते पर खड़ा कर दिया। उसके बाद वे अंत तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, क्योंकि आज भारत को भी है वह सब नेहरू जी की देन है। 27 मई 1994 को नेहरू जी का आकस्मिक निधन हो गया। आज नेहरू जी को सारा देश बहुत याद करता है। सबको धन्यवाद। प्लीज ना वीडियोस नी लाइक चेंडी, शेयर चेंडी मरियु सब्सक्राइब चेंडी। मी बंधुलकु मी स्नेहितुलकु कूडा ना वीडियोस लिंक पंपिंची वालनु कूडा ना वीडियोस चूडमनंडी। नच्चिते लाइक चेपिंचंडी मरियु सब्सक्राइब कूडा चेपिंचंडी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टडी विद पद्मलता।